ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट 22 है और इसके अंदर हम अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, और पूरा डिटेल से देखेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये आयोग हिमाचल प्रदेश वाला पता नहीं अटॉर्नी जनरल के पीछे क्यों पड़ा रहता है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो या कोई दूसरा एग्जाम, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन रखता ही जरूर है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या दुश्मनी है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा, मतलब उसके क्वेश्चन रखता ही रखता है। और भी बहुत सारी बॉडी होती है, पता नहीं क्यों अटॉर्नी जनरल के क्वेश्चन रखता है। अब बात करते हैं ये अटॉर्नी जनरल की पोस्ट के बारे में। देखिए, अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 76 के अंडर बनाई गई है। तो यहाँ को ये पता होना चाहिए कि जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है इसकी जो पोस्ट है किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 76 है। ये इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ये कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। आप देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें जो आपको याद करने की, इसको अपॉइंट कौन करता है। देखिए, इसको जो अपॉइंट किया जाता है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब इस ऐसा नहीं 2 साल 3 साल के लिए, कभी भी जो है प्रेसिडेंट इसको हटा सकते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो इसकी जो पोस्ट होती है वो फिक्स नहीं होता, टर्म फिक्स नहीं है कि 2 साल 1 साल, भैया आप 1 मंथ काम करवाएंगे, बोल देंगे जाओ भाई अपना बोरिया बिस्तर बांधो, दूसरा वाला बंदा बुला लिया हमने। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा। देखिए, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो तो आप अटॉर्नी जनरल बन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप तो एक तो सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरा आपने हाई कोर्ट में 5 साल तक एज ए जज काम किया हो या एडवोकेट के तौर पर काम किया हो, आपने हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में या लगातार हाई कोर्ट दिल्ली मुंबई ऐसे कुछ काम किया हो 10 साल तक। अगर आपने एज एडवोकेट काम किया किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक, या फिर जज के तौर पर काम किया 5 साल तक, या फिर आप सुप्रीम, आप ये जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट की नजर में आप एक बहुत अच्छे जूरिस्ट हो, तब आप जो को अटोर्नी जनरल बना दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है, तो आप आयोग यहाँ से पूछा जा सकता है। ये जो है प्लेजर पर और डिपेंड करते हैं प्रेसिडेंट की। प्लेजर का मतलब ये होता है कि भाई कभी भी ऑफिसर इनको जो प्रेसिडेंट होते हैं कभी भी हटा सकते हैं, फिक्स नहीं होता। प्लेजर का मतलब होता है कभी भी इनको बोल सकते भाई अपना बोरिया बिस्तर बांधो, यहाँ से निकलो तुम। अब देखिए इनके राइट्स क्या क्या है, ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं एजी होते हैं, इनके राइट्स क्या है। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एक मतलब इनको काफी अच्छे अच्छे राइट्स दे के रखे गए हैं। एक तो ये किसी भी इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं, वहां पर उसकी सुनवाई को, जो भी कोर्ट कह रहा है उसको सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है इंडिया, जो भारत सरकार होती है उसका पक्ष जो है उस कोर्ट में रखते हैं, पहला। दूसरा, जब भी जैसे मान लो पार्लियामेंट के दो हाउस हो गए, राज्यसभा लोकसभा, किसी भी हाउस में जाकर ये बैठ सकते हैं, उनकी जो मीटिंग होती है उनको सुन सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। दूसरा, ये जो ज्वाइंट सिटिंग है, राज्यसभा लोकसभा की कोई ज्वाइंट सिटिंग चल रही है उसमें भी जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई वोट नहीं कर सकते। तीसरा, भैया ये जो है किसी, अगर मान लो कोई कमेटी, इनका नाम है उस कमेटी में, तो ये उस कमेटी के मेंबर बनेंगे, उसमें बैठेंगे और लेकिन वोट नहीं डालेंगे। तो ये बात याद रखना, विदाउट वोटिंग ये बैठ सकते हैं। इनको भैया इम्यूनिटी, जो एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को इम्यूनिटी और ये प्रिविलेजेस दी गई है, इनको भी सेम प्रिविलेजेस दी गई है। तो ये बहुत मतलब काफी पावर देकर रखी गई है इनको, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई भारत सरकार का फुल टाइम मेंबर नहीं होता, इनसे बोलेंगे भैया आपको 2 घंटे से लेकर 3 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमको सर्विस देनी है, उसके बाद में जो है अपने लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो इनको कोई ऐसा नहीं कि लीगल प्रैक्टिस कोई मना किया गया। हाँ भैया, ये जो है भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है, कोई ब्रीफिंग नहीं कर सकते कि भारत सरकार ऐसा, ये है वो है फलाना, ये नहीं कर सकते, भारत सरकार ने अपॉइंट किया है तो वही उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन लीगल प्रैक्टिस के लिए मना नहीं होती, लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, भाई 5 से 6 मान लो इन्होंने भारत सरकार को सर्विस दी है, उसके बाद में अपनी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। भैया मतलब ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो साथ साथ में भारत सरकार को सर्विस दे रहे हैं और दूसरी अपनी जो है लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब जरा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो इसके जो हमको ये पता होना चाहिए, मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद, ये जो है इंडिया के पहले और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल हैं। एक तो इनके नाम ये किताब है, दूसरा किताब इनके ये कि इंडिया के, जब इंडिया आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद जो पहला लॉ कमीशन बनाया गया ये उसके भी चेयरमैन है। तो आपको दो पता होना चाहिए, इनके नाम दो किताब और नाम याद है, और फर्स्ट चेयरमैन भी थे बार काउंसिल ऑफ द इंडिया के, तीन बहुत सारी चीजें इनके नाम है। अभी करंट में वेंकटरमनी जो है ये इंडिया के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो 14 नंबर की, वैसे तो बहुत कम चांस है यहाँ पर पूछा जाए कौन है, बस कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहिए कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए स्टेट में भी होते हैं, जैसे स्टेट होता है ना, जैसे अभी हमने सेंट्रल देखा, स्टेट में भी होते हैं, स्टेट में बोलते हैं इनको एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडिया,
इनको अंडर आर्टिकल 65 जो होता है 165, ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से रिलेटेड होता है। यूपी का एक अपना एडवोकेट जनरल होगा, हिमाचल प्रदेश का अपना होगा, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को वहाँ पर जो जो लीगल है उन पर एडवाइस देता हो, उनके लिए काम करता हो। और ये जो इस उसी स्टेट के जो एक टाइप के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और इनका जो अपॉइंटमेंट है, मैं यहाँ पर जो स्टेट के अंदर जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनका जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर करता है, गवर्नर इनको हटा देता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको किसको बना सकते हैं, एडवोकेट जनरल उनको बना सकते हैं जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, तो जज बनने के लिए लायक हो, जैसे सिटीजन, और या फिर इन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस किसी भी हाई कोर्ट में जुडिशियल ऑफिस की पोस्ट रखी हो 10 साल तक, या फिर एक एडवोकेट रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक, तो इनको ऐसे बंदे को बना दिया जाता है। प्लेजर पर डिपेंड करते हैं गवर्नर की, ये गवर्नर इनको कभी भी ऑफिस से निकाल सकते हैं। कोई टर्म नहीं दे रखा है कि 5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 मंथ, ऐसा कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अब जरा ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 2019 में पूछा था, पर्सन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन डू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस वाइल रिमेनिंग इन द पोस्ट। तो जब वो अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर काम कर रहा हो तो वो उसको लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बात है, मैंने बिल्कुल उसमें बताया भी था आपको। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उसने यही बोला था कि करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ो। दूसरा पढ़ते हैं, ही इज एलिजिबल टू सिट इन द बोथ द हाउस, ठीक बात है, दोनों हाउस में बैठ सकता है, बट ही कैन नॉट सिट इन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस। ज्वाइंट सिटिंग में भी बैठ सकता है, तो मतलब आधा स्टेटमेंट ये वाला तो ठीक है, इसका ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है ये वाला, लेकिन ये गलत हो जाता है, तो जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारे पास गलत, दूसरा हो गया गलत ये। अब इट इज मैंडेटरी फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू रिजाइन फ्रॉम हिज या हर पोस्ट व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम। जैसे मोदी सरकार ने कोई अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया, अब मोदी सरकार गिर जाए, फिर आ जाए किसी भी दूसरी सरकार आ जाए, हम ये ले लेते हैं कि भाई चलो कांग्रेस की सरकार आ गई, तो क्या कांग्रेस जो मोदी सरकार ने अटॉर्नी जनरल एजी अपॉइंटमेंट किया था, एजी का अपॉइंटमेंट किया था, क्या कांग्रेस सरकार उसको हटा सकती है? जरूरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, हटा भी सकती है, या उसको बोले भैया कीप ऑन कंटिन्यू, आप जो है अपनी सर्विस कंटिन्यू रखो। तो इसी की वजह से जो है यहाँ पर मैंडेटरी शब्द का यूज, इट इज द मैंडेटरी, तो मैंडेटरी नहीं है भैया ये, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो इसी की वजह से दोनों टू और थ्री स्टेटमेंट खराब नहीं गलत हो जाते हैं, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो हमारा सही आंसर है ए, ठीक है। तो इसके अंदर यही पूछा था कि भाई सही सही वाक्य को पकड़े, तो सही वाक्य जो है इसके अंदर ए है, ये वाला, ये सही आंसर है इसका ए। तो देखो आयोग जो है मतलब ऐसे भी नहीं कि इतने सिंपल क्वेश्चन देता है, बाल की खालों से भी क्वेश्चन कभी निकाल लेता है। तो चलो ठीक है, हमने आज जो है 22 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, तो बाकी लेक्चर मैं कल डालूंगा। हो सकता है कि आज मैं करंट अफेयर के लेक्चर डाल दूं, और काफी सारे करंट अफेयर के मैं लेक्चर डालने वाला हूं, जिसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे भी मैं कंप्लीट करूंगा, छोटी छोटी मतलब उसकी जो कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि क्वालिटी हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी वो भी हमारे उसके अंदर सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो हम मैं इसका आज ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी पीपीटी ऐड करा देता हूँ, शाम तक मैं ऐड करा दूंगा इनको, और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बाकी में सीरियस एस्पायरेंट है तो ये हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं।